नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि समान नागरिक संहिता को अब कागजों की जगह जमीन पर उतारने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इससे ही रूढ़िवादी प्रथाओं पर लगाम लग सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद सरकार में हड़कंप है। जस्टिस अनिल वर्मा, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने खरी खरी सुनाई है। कहा है कि समाज में कई निंदनीय, कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें आस्था और विश्वास के नाम पर दबाया जाता है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का समर्थन किया गया है, लेकिन इसे केवल कागजों पर नहीं बल्कि असलियत में बदलने की जरूरत है। यह एक सही तरह से ड्राफ्ट की गई संहिता ऐसी अंधविश्वासी और बुरी प्रथाओं पर लगाम लगा सकती है। तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव क्यों? क्या वे उन अधिकारों की हकदार नहीं हैं जिसका फायदा हिंदुस्तानी महिला उठाती रही है? आइए बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और अदालत को क्यों सरकार को उसकी ड्यूटी याद दिलानी पड़ी। असल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दो महिलाओं ने राहत की मांग करते हुए अपील लगाई थी। इन महिलाओं पर घर की बहू ने दहेज मांगने, मारपीट करने और प्रताड़ना देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि 2019 में तीन तलाक को अवैध घोषित करते हुए 2019 में भारत की संसद ने कानून पास किया था, जो एक अच्छा कदम था, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधियों को इतने वर्ष जानने में क्यों लग गए कि तीन तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है। कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत जल्द देश में यूसीसी की आवश्यकता समझने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तीन तलाक के एक मामले में यह फैसला दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब आप ये समझ के चलिए कि यह पूरे देश पर लागू होगा। कोर्ट में दो महिलाओं ने राहत की मांग करते हुए अपील लगाई थी। इन महिलाओं पर बहू ने दहेज मांगने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया जी, आखिर क्या कारण है और कौन ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है जो मोबाइल पे तीन तलाक लिख के भेज देते हैं, औरत से पीछा छुड़ा लेते हैं, और उसकी जद में केवल एक औरत नहीं आती है, उसका पूरा परिवार आता है, उसका पूरा समाज आता है, और ऐसे समाज में जब वो अपने आप को अकेला पाएगी तो उसके पास क्या रास्ते बचते हैं? नाजिया जी, देखिए शुक्ला जी, मैं तो बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर कहूंगी, क्योंकि तीन तलाक में मैं सबसे यंगेस्ट काउंसिल थी और मेरा पिटिशन शाहबानो सायराबानो जी के साथ टैग हुआ था। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रवैया, जो घिन मुसलमान महिलाओं के प्रति मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है जी। इसके साथ साथ मैंने 2019 में पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए एक पिटिशन सर्वोच्च न्यायपालिका में लगाया था, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जिसकी हियरिंग चल रही है जी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिसमें 18 से 19 मुसलमान बेटियां हैं जिन्होंने साइन किया है ऐसा पिटिशनर कि पॉलीगेमी हलाला बैन होना चाहिए। देखिए, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर चार चार सात सात शादियां, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हलाला जैसा नंगा नाच, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर निकाह मसियार जैसा घिनौना अपराध, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर निकाह मुत्ताह जैसा अश्लीलता, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ट्रिपल तलाक, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जवाजुल मुत्ताह, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बोलने का अभद्र शब्दावली, ये कौन करता है? औरतों को खेत कौन बोलता है? मदनी जी बोलते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, औरत का लड़की का बच्ची का पीरियड, क्योंकि अभी तो ग्लोबल वार्मिंग है,
हमारी बच्चियों को 11 साल में पीरियड्स हो जाता है, पर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारी छोटी छोटी बच्चियों के पीरियड्स के बारे में संसद में बैठ करके खड़े होकर के बात करते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमान बेटियों को संविधान से ना जोड़े और 21 साल की उम्र में उसकी शादी करने के लिए ना बोले। उसकी प्योबर्टी होगी, उसका निकाह जायज हो जाएगा इस्लाम के हिसाब से। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर भारत का इस देश का मुसलमान मानता है संविधान को, तो आर्टिकल 44 से इतनी घृणा क्यों है? आर्टिकल 44 से इतनी तकलीफ क्यों है? आर्टिकल 44 से इतनी नफरत क्यों है? आर्टिकल 44 से नफरत इसलिए है शुक्ला जी, क्योंकि इन लोगों का इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का जो कारोबार चल रहा है वो बंद हो जाएगा, उसमें रोक लग जाएगा, उसमें पुलिस स्टॉप लग जाएगा। शरिया कानून हर रोज चिल्लाते रहते हैं कि हमारे इस्लाम को कोई टच नहीं कर सकता। शरिया कानून के कर्टन में छुप करके क्रिमिनल लॉ का वायलेशन धड़ल्ले से करते हैं। एक हिंदू व्यक्ति अगर एक शादी के अलावा दूसरी शादी करता है तो क्या हम सबको पता नहीं है कि आईपीसी 494 और बीएनएस 82 सेक्शन के हिसाब से उसको 7 साल की सजा हो जाती है? अगर एक हिंदू व्यक्ति या कोई और रिलीजन का सिख ईसाई कोई अगर 11 साल की 12 साल की 13 साल की 14 साल की 15 साल की बच्ची से अगर शादी करता है तो क्या उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा? क्या हमें नहीं पता है? लेकिन मुसलमानों का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चलिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपने देश दुनिया की यात्राएं की हैं और आपने देखा होगा ईरान से लेके दुबई से लेके तमाम जगहों पे तमाम इस्लाम में बदलाव आ रहे हैं। क्या कारण है कि भारत में कोई इस्लाम में ऐसा प्रावधान नहीं पैदा हो रहा है जो इन कुरीतियों को दूर करे और खुद सामने आके बोले? देखिए प्रसन्न जी, इस्लाम के आड़ में बहुत सी चीजें कही जाती हैं, जो भी मैडम कह रही थी वो गलत चीजें कही जाती हैं जो इस्लाम में लागू भी नहीं है। जैसे हलाला की बात की, ये हलाला एक अपना सिस्टम बनाया हुआ था मौलवियों ने, उसके लिए उनका फायदेमंद था, ऐसा कुरान शरीफ में कहीं जिक्र भी नहीं है। जहां तक है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है, उनको कानून वो बनाने चाहिए जो कानून मुसलमानों के लिए कौम के लिए हक में हो। अभी इस तरीके से 3 तलाक कह के छोड़ देना रात में लड़की को, जिसको भी शादी करके लाए थे चार आदमियों के बीच में, पूरे समाज के बीच में, उसको 3 तलाक कह के छोड़ देना कितना जुर्म है। और ये जो बनाया गया, इसके लिए पौधा नहीं, एक प्लान तैयार हो गया जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। देश में उन्होंने आते ही पहला काम किया कि आर्टिकल 44 लागू कर दिया और उसमें उस शाबानों वाला केस जो था उस केस का जिक्र करते हुए ये कहा कि 3 तलाक में जो इस तरह की बातें करेगा वो पनिशेबल एक्ट है, और वो बना दिया गया। जिसके लिए अभी आपने बताया कि मध्य प्रदेश की कोर्ट ने ऐसा कानून जो बना है उसको कहा कि धरातल पे लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, ये नहीं चलेगा कि तीन तलाक कह दिया, तलाक तलाक और उसको छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर मुसलमानों के हम की बात है तो शादी करने के बाद पहले जब निकाह होता है तो उस वक्त एक मेहर तय होता है, वो उसकी एक सिक्योरिटी हुआ करती थी। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मेहर की बात पे आते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, मेहर की बात पे आते हैं। हिंदुस्तान के कानून में क्या खामी है तलाक को लेके? अगर नहीं है तो उसको स्वीकार करने में मुस्लिमों को क्या दिक्कत है, खासकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को? पर्सनल लॉ बोर्ड उसका अपना बोर्ड है, वो कोई कानूनी बोर्ड तो है नहीं। कानूनी बोर्ड तो है आर्टिकल 44 जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें समान अधिकार है। और कभी भी नहीं कहा गया कि जुल्म ज्यादती के साथ औरतों के साथ करिए, इस्लाम कभी नहीं कहता। पड़ोसी के साथ नहीं कहता, दूसरों के साथ नहीं कहता, काने को काना नहीं कहता, तो ये कैसे कह देगा? तो डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, 4 शादियां करने की इजाजत किसने दी है? जी सुनिए, हाँ बता रहा हूँ यहीं पे, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। 4 शादियां करने की इजाजत नहीं है एक्चुअल देखा जाए तो। ये उस वक्त तलवारों से लड़ाइयां हुआ करती थी तो ज्यादा से ज्यादा वार विनोद हो जाती थी। उन वार विडोज को एक निकाह करके प्रॉपर शेल्टर देना था, ये नहीं था कि अय्याशी की बात की जाए शादी के लिए। शादी तो उस वार सेल्टर में, सुन तो लीजिए मोहम्मद अमीन साहब, उस वार सेल्टर में तमाम आदमी मारे जाते थे, औरतों को भी 4 आदमी रखने का हक दे दिए थे। जो प्लेजर आप ले रहे हैं वही प्लेजर उनको देने में क्या दिक्कत है, अगर ईमानदारी थी और बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं तो।
कम्युनिटी में कोई करप्शन ना फैले और उनको पूरा अधिकार मिले। अरे करप्शन किस चीज का है, मैं कह रहा हूँ जिस चीज में आप चार लोगों को आप शेल्टर दे रहे हैं वैसे ही औरतें भी हैं। आदमी मर गए तो चार आदमी रख लें, एक दो वार में लड़े जाए और साफ हो जाए तो कोई बात नहीं। प्रसन्न जी, वार में औरतें नहीं जाती थी, सिर्फ जन। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आदमी जाते थे, आदमी मारे जाते थे तो आदमियों की संख्या कम होती थी। जी इसीलिए था, और वैसे नहीं था, अय्याशी करने के लिए नहीं था। अच्छा नाजिया जी कुछ कह रहे हैं, नाजिया जी की बात सुन लेते हैं। नाजिया जी बताइए। देखिए सबसे पहली बात कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपीस अपॉन हिम, उन्होंने 12 निकाह किया था। इवन जी उनके अडॉप्टेड चाइल्ड जो उन्होंने गोद लिया था जैद अलैहि सलाम को, उनकी बेटी उनकी वाइफ उससे भी जैनब से भी कर लिया था निकाह। अडॉप्टेड बेटे की बीवी से भी निकाह कर लिया था। तो हमारे इस्लाम में चार शादियां सिर्फ नहीं है, हमारे इस्लाम में 12 शादियां जायज है। अब आती है दूसरी बात कि इन्होंने कहा है, एक मिनट एक मिनट, शेल्टर देने के लिए था ना कि उनको कोई सहारा मिल जाए, इसलिए था ना। अरे ये सहारा तो आदमियों को भी तो चाहिए। अभी नहीं, नहीं, अरे बाबा बात तो डॉक्टर साहब पूरा करने दीजिए ना, आप काहे पॉपकॉर्न तरफ उदक रहे हैं, आप थोड़ा सा मेरी बात पूरी करने दीजिए। अब आती है बात कि ये जो कह रहे हैं कि शेल्टर देने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद ने 12 शादियां कर ली, पर कुरान में कहीं पर भी अल कुरान के 30 पारे में किसी भी आयत में इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां इसलिए की क्योंकि वो तलवार उठाया करते थे। ये तो जिक्र नहीं है डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, आप एकदम साफ और शफाफ झूठ बोल रहे हैं। और प्लीज झूठ आप तलवार की बात नहीं कर रही हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। मैंने ये कहा वार विरोध ज्यादा हो जाती थी इसलिए लोगों को परमिशन दी गई कि आप रख सकते हैं, जो भी उनका हक है जीने का। आप जब डॉक्टर साहब आप जब एक साल के थे जो कपड़ा पहनते थे, आज इस उम्र में भी वही कपड़ा पहनते हैं क्या? रिफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है क्या? नाजिया जी, नाजिया जी, मैं तो मोहम्मद अमीर साहब वही कह रहे हैं कि ये उस समय की बात थी, ये उस समय की बात थी जब युद्ध का काल था और वहाँ पुरानी कानून लागू हुए। मरोड़ करके कह रहे हैं, ये तोड़ मरोड़ करके और पर्दे में छुपा करके कह रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूँ मोदी जी ने किया है, मोदी ने हक किया है, हक किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या विधवा हो गई थी, किसी उनका शौहर क्या किसी वॉर में मर गया था क्या? आप क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं, आप अल कुरान के हिसाब से बात कीजिए ना। आप कुरान शरीफ पढ़िए, मैंने तो बहुत कम पढ़ी है, बता रहा हूँ जितनी मेरी नॉलेज है। आपने अभी जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैं बता रहा हूँ। नाजिया जी, नाजिया जी मेरी बात सुनिए, नाजिया जी मुझसे मतलब नहीं है। आप मोहम्मद अमीन साहब सुन तो लीजिए, मोहम्मद अमीन साहब जो अपनी बात रख रहे थे कि युद्ध का समय था उसमें तमाम कबीलाई कानून लागू, पुरानी बात है, पुरानी बात है, उसको छोड़ना चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब भी यही कह रहे हैं। मेरा नाजिया जी सवाल ये है कि आज के दौर में जब तमाम पढ़े लिखे लोग इस चीज को नकार रहे हैं, वो भी एक शादी में भरोसा रखते हैं, तो आखिर ऐसे कौन तत्व हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम लॉ बोर्ड पे कब्जा कर लेते हैं? आज एक हक का हक पूरा नहीं कर सकते, से बच्चे नहीं पाल सकते, वो क्या चर्चा रखेंगे? डॉक्टर साहब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए ना जी, काहे को इतने उत्तेजित हो रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी नाजिया, ये मुस्लिम क्लेरिक है, ये मुस्लिम प्रेचर है, ये मुसलमान समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं। हालांकि हमारा इस्लाम और अल कुरान ये कहता है कि हमारा कोई धर्म गुरु नहीं हो सकता है, सिर्फ अल कुरान से ही हमें बने रहना है, लेकिन ये अपने कारोबार को चलाने के लिए और अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं हैदराबाद गई थी, यही पहले मैंने कहा, सुनिए सुनिए, अरे बाबा मेरी बात सुन लीजिए ना जी, जी, मैं जी, मैं हैदराबाद गई थी, आपको पता है शुक्ला जी, ये चार मीनार पे अभी भी हलाला सेंटर खुला हुआ है और बाजार से हाफिज जी लिख करके मौली साहब लिख करके बोर्ड पे टांगे हुए हैं कि अपनी बीवी लेकर जाइए हलाला के बाद सुबह हिफाजत से लेकर जाइए, उर्दू में लिखा हुआ है। तो बंद कराना चाहिए था आपको, पुलिस से FIR करानी चाहिए थी, आप रूल नहीं है। और उसके बाद फिर सारे मुसलमान समाज के ठेकेदार जो है वो मेरा ही रेप करवाते, हर रोज मुझे गालियां देते हैं, हर रोज मेरे मुझे बेहद शर्मनाक चीज है। जो लड़की जो बेटी अपने समाज के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए हक की बात करती है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी एक तरह का अपराध है। नाजिया जी आपके काम को मेरा सल्यूट है,
आपसे, लेकिन जो मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि आपको उनके खिलाफ FIR करवानी चाहिए थी। बिल्कुल मोहम्मद अमीन, इसीलिए मोहम्मद अमीन साहब को मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सबसे ज्यादा मुसलमान बेटियों के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में मैंने ही लड़ाई की है। अच्छा, और आज भी आप गूगल पर PIL नाजिया इलाही खान डालिएगा तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा आवाज ऊंची मुसलमान बेटियों को बचाने के लिए, ये अश्लीलता से सुरक्षित। नाजिया, एक सवाल और भी बड़ा, एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी कुछ महिलाएं दिखती हैं जो इस तरह के कानून पे अपना भरोसा जताती हैं, कहती हैं हमारा कानून इस्लाम का कानून है, हमें यही फॉलो करना है। कुछ महिलाएं भी हैं, वो दबाव में आती हैं, या उनको ज्ञान नहीं है, या जानकारी नहीं है, या अपनी परिस्थितियों से मजबूर हैं, आपको क्या लगता है? नाजिया जी, मुझे 30 सेकंड विदाउट इंटरप्ट दीजिएगा। देखिए, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमने देखा था जो 3 तलाक बैन का भी विरोध कर रही थी, जो हिजाब के समर्थन में बात करती हैं, और उसका एक जिंदा मिसाल है मुस्कान, जिसके लिए अलकायदा के चीफ का मैसेज आया था, और आज मुस्कान गायब हो गई है, किसी भी डेट को कवर नहीं करती है। तो हिजाबन भी जिहादन होती हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो टाइप होती है जिसकी वजह से पैसे के लोभ में या किसी एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से टाइप होने के बाद वो ऐसे प्रदर्शन हमारे भारत में करती हैं, हमारे भारत के सुकून को और यहाँ के संविधान को, यहाँ के सिविलाइजेशन को डेवेस्टेट और रुइन करने के लिए। अदरवाइज ये वही कुछ हमारे भारत की ऐसी महिलाएं हैं जो हम जैसे काउंसिल के साथ, एडवोकेट के साथ सर्वोच्च न्यायपालिका जाती हैं, अपने गुजारा भत्ता के लिए जाती हैं, 3 तलाक बैन कराने के लिए जाती हैं, पॉलीगेमी हलाला के विरोध में जाती हैं, UCC के पक्ष में बात करती हैं, लेकिन एक ग्रुप है हिजाबन का और जिहादन का जो हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के भारत के सुकून और संविधान के खिलाफ अपनी आवाज उठाती हैं, और बाद में पता चलता है कि जैसे मोहम्मद के लिए काम करती हैं और अलकायदा के लिए काम करती हैं। चलिए मोहम्मद अमीन साहब जी, क्या ये कुरीतियां केवल इसलिए नहीं हट रही हैं कि विदेशी देशों से, खासकर गल्फ कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं? उन पैसों का मकसद केवल ये होता है कि इस्लाम को भारत में बरकरार रखना है, और यहाँ के मौलवी उस पैसों का गलत उपयोग करते हैं अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। क्या यही कारण है या और कोई भी कारण है? देखिए, इस सरकार के आने के बाद कई हद तक जितना फॉरेन करेंसी था वो चेक किया गया, रोका गया, और ये जो आज वैसी इस तरह की बातें करती है जो मैडम कहना चाह रही थी शाजिया जी, तो हैदराबाद में क्या किए हुए, हैदराबाद में शुरू से देखा जा रहा है। मैं तो सऊदी में पोस्टेड भी था, ये लोग स्मगलिंग करते हैं लड़कियों की, यहाँ से दुबई और गल्फ कंट्रीज में ले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो वैसी हैं, वैसी ही इसकी जड़ हैं, पहले इनको देखा जाए, इनके यहाँ से ये सब शुरुआत होती है हैदराबाद से, और आज से नहीं जमाने से चला रहा है, निजाम के टाइम से चला रहा है। इस तरह की जो हरकतें हैं ये ज्यादातर हैदराबाद से होती हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मैं कह रहा था इस बात का कि ये जो आप बता रहे थे, तो उस वक्त मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा है कि ये जो हमारे यहाँ निकाह के वक्त जो मेहर तय होता है, उसके बाद इनको जेवरात दिए जाते हैं, वो सब लड़कियों के होते हैं, और चाहे ससुराल की तरफ से हो। कितना होता है मोहम्मद अमीन साहब, मेहर कितना होता है? मेहर से केवल अपना पाप छुपाने का काम किया जाता है। नाजिया जो कह रही है, नाजिया जी आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था मैं कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब महिलाओं के सामने क्या विकल्प बचा है? महिलाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए, आज पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़ा लिखा समाज है, और ऐसे जैसे शाजिया जैसे एडवोकेट हैं, तो इनका सहारा लेना चाहिए और जाके थप्पड़ मारना चाहिए। 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ओपन वोटिंग हुई थी UCC के लिए, तो 67.2% महिलाओं ने वोट किया था UCC के पक्ष में, और सरकार को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए पूरे भारत में। अलग अलग राज्यों में तो हो ही रहा है, पर पूरे भारत में इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और मुसलमान के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं इनके कारोबार को बंद करने का और मुसलमान बेटियों को अश्लीलता से बचाने का वक्त आ चुका है। वक्त आ चुका है, और
नाजिया जैसी औरतों पे ही पूरे हिंदुस्तान की औरतों को फक्र होता है जो अपने अधिकारों के लिए न सिर्फ लड़ती हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी लड़ती हैं जो इस पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए APN न्यूज के साथ।